हेलो एवरीवन, दिस इज योर बेस्ट एंड फेवरेट मारियो 7/8 वापस से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को तीन वन टैप हेडशॉट ट्रिक एक साथ बताने वाला हूँ। ओके, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि गाइस क्या होता है कि मैं जब भी हेडशॉट ट्रिक एक ही बताता हूँ तो उसमें होता है क्या कि बहुत सारे बंदे नहीं सीख पाते हेडशॉट ट्रिक, क्योंकि सब में काम नहीं करता वो हेडशॉट ट्रिक। इसलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को तीन हेडशॉट ट्रिक एक साथ बताने वाला हूँ। इससे होगा क्या कि भाई तीनों हेडशॉट ट्रिक को आप लोग को यूज़ करके देखना है, तो तीनों में से जिस ट्रिक में आप लोग का हेडशॉट सबसे ज़्यादा लगे उस ट्रिक को आप लोग को अपना लेना है। ओके, तो तीनों को भूल के भी स्किप मत करना, तीनों को ध्यान से आप लोग को समझना। स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके आपको तीनों हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग सुन लेना। ओके, तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना है, इसी से मेरा दिल भर जाता है। ओके, तो ये चीज़ जरूर कर लेना। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, हमारा जो नंबर 1 हेडशॉट ट्रिक है वो है गाइस फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक, या फिर बोल सकते हो परफेक्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। इसके लिए सबसे पहली बात, एम कहाँ रखना है आपको बता देता हूँ। इस हेडशॉट ट्रिक को अपनाने के लिए आपको एम हमेशा एनिमी के पैर के नीचे या फिर उसके राइट साइड, मतलब थोड़ा मोड़ा इधर उधर रख सकते हो। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि आपका सबसे मेन जगह होगा, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जगह वो होगा उसके पैर के जस्ट थोड़ा सा इधर राइट साइड। ओके, यहाँ पे देखो पैर के नीचे, या फिर यहाँ भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रखना है और डायरेक्टली आप लोग को ऊपर की ओर ड्रैग करना होगा। इसके लिए आप लोग को लास्ट में सेंसिटिविटी भी बता दूंगा और हैंड कैम भी दिखा दूंगा। जी हाँ गाइस, हैंड कैम के साथ बताऊंगा तो आप लोग को अच्छा होगा। ओके, इस तरीके से जब आप जंप करते हो तो आपको एम जहाँ ऐसे पैर के नीचे आप लोग को लाना है। ओके, उसके बाद हेडशॉट कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से। ओके, डायरेक्टली आप लोग को ऊपर की ओर ड्रैग करना होगा। ध्यान से आप लोग देखो, आप लोग क्लियरली समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो हैंड कैम में भी समझ जाओगे। ध्यान से देखो, एम जो है मेरा नीचे गया और डायरेक्टली मैं ऊपर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फायर बटन भाई नीचे पहले कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना हूँ। ओके, इसके लिए क्या करना हूँ कि हैंड कैम दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा सा समझाने का तरीका वही है, लेकिन मैं नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब देख लो। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, एम कहाँ रखना है। ओके, ध्यान से समझो, हैंड कैम है भाई, हैंड कैम बार बार नहीं आती, ध्यान से आप लोग देखो, स्किप मत करो। ओके, यहाँ पे देखो, सबसे पहले एम आप लोग को पैर के नीचे। ओके, पैर के नीचे या फिर थोड़ा मोड़ा इधर उधर रख सकते हो। उसको डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर की ओर ड्रैग करना होता है, ठीक है ना गाइज। आप लोग को टेंशन मत लो, सेंसिटिविटी और फायर बटन साइज भी बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से मतलब हेडशॉट लगा सकते हो, जैसे मैं आपको लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे स्लो मोशन में देख लो, मैं वाइट एम रखा और डायरेक्टली नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग करा, और वो जाके कहाँ लगा, हेड तो लास्ट होती है एनिमी की, इसलिए भाई हमारा जो है एम जो है हेड पे लॉक हो गया और परफेक्टली क्लियर फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक लग गया। ओके, तो ये चीज़ हो गया। होप आप लोग ये ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई कमेंट्स करके बताना, और ये ट्रिक कौन कौन यूज़ करते हो ये भी कमेंट्स करके बताना। ओके, पैर के नीचे रख के डायरेक्टली ड्रैग करा तो वह हेडशॉट लग गया। अब इसके लिए भाई आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन होगा कि सेंसिटिविटी इसमें क्या रखें। वाइट एम, रेड एम तो बता दिया आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने सेंसिटिविटी नहीं बताया आपने। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी आप लोग देख लो। इसके लिए भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं तो 100 रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है आप, लेकिन इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रिक में आप लोग का भाई मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइट एम होगा, डायरेक्टली ड्रैग करोगे तो वो तो लॉक होगा ही हेड पे। ओके, होप यहाँ पे समझ गए होगे। और दूसरी बात आती है जब भाई कस्टम एचयूडी में फायर बटन साइज की, तो भाई फायर बटन साइज अपना जितना रखते हो उतना ही रखो, कोई बात नहीं। 48-50 मैं रखता हूँ, 48-50 जितना भी हो। ओके, तो आप लोग को ये काम करना है कि भाई इसको खिसकाना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है, फायर बटन को जहाँ रखते हो वहीं रखना है, और फायर बटन को एक ही साइज का रखना है। होप आप लोग समझ गए। अब भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकेंड हेडशॉट ट्रिक। जी हाँ गाइस, पहला हेडशॉट ट्रिक आप लोगों ने बता दिया कि भाई कहाँ रखना है, कैसे हेडशॉट लगाना है, फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। हमारा जो दूसरा हेडशॉट ट्रिक है वो है गाइस अपना रोटेशन हेडशॉट ट्रिक। जी हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए भाई हमको रखना होता है एनिमी के राइट साइड। पोजिशन आप लोग देख लो ध्यान से कहाँ रखना है। जैसे ये हेड है ना एनिमी का, तो उसके जस्ट राइट साइड इधर उधर रख सकते हो, रेड डॉट आना चाहिए। अगर भाई ज़्यादा पास हो गए तो आप वाइट एम रख सकते हो। ओके, अब कैसे क्या करना है आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीके से जैसे मैं आप लोग बता रहा हूँ, रोटेट करना है। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसका भी हैंड कैम दे दूंगा, ध्यान से आप लोग देखो, बस अभी समझ लो स्लो मोशन में, उसके बाद हैंड कैम दिखा दूंगा। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं रोटेट कर रहा हूँ और डायरेक्टली हेडशॉट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं एम कहाँ रखा हूँ ध्यान से देखो, एम जो है उसके लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट या राइट साइड जहाँ भी बोल सकते हो, ठीक है। रेड डॉट आया और मैं नीचे से राइट साइड से ऊपर की ओर ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे हेडशॉट लग गया। तो इसका भी हैंड कैम निकाल देता हूँ, टेंशन काहे लेते हो यार, आपका मारियस भाई जिंदा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले मैं आप लोग बताया था कि डायरेक्टली ऊपर की ओर ड्रैग करना है, जब परफेक्टली हेडशॉट ट्रिक बता रहा था उतना टाइम, ठीक है। अब हैंड कैम देख लो, रोटेशन हेडशॉट ट्रिक के लिए। अगर आप लोग का पहला वाला हेडशॉट ट्रिक काम ना करे तो ये चीज़ कर लेना, यहाँ पे एम रखे, उसके बाद ध्यान से देखो मैं रोटेट कैसे करता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग को एम रखना है और इस तरीके से रोटेट करना है, मतलब कि यहाँ से लेके ऊपर तक इस तरीके से, ओके। तो ये चीज़ आप लोग को हेडशॉट ट्रिक में बहुत अच्छा काम आएगा। और देखो इजीली हेडशॉट ट्रिक हेडशॉट लग रहा है, ठीक है ना गाइस। आप लोगों को कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है कि भाई और कैसे लग सकता है। तो होप यहाँ पे समझ गए होगे ये भी हेडशॉट ट्रिक, और दोनों हेडशॉट ट्रिक परफेक्टली बहुत तगड़ी वाली हेडशॉट ट्रिक है। और इसके लिए सेंसिटिविटी बोलोगे ना, सेकंड नंबर रोटेशन हेडशॉट ट्रिक के लिए, तो भाई मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि 100 रख लो, 100 to 100 बेस्ट है। क्योंकि भाई इसके लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमको रेड एम रख के लॉक वाली हेडशॉट ट्रिक हेडशॉट लगाना होता है। होप आप लोग को समझ गए होगे। और हाँ गाइस, अब जो लास्ट हेडशॉट ट्रिक है वो है गाइस डाउन अप ड्रैग, मतलब कि डाउन अप ड्रैग मतलब फायर बटन को नीचे करके ऊपर वाला। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि मैं अब तक भाई ये सीख नहीं पाया, मतलब कि ये मैं जब अच्छा से सीखूंगा तब तो आपको बताऊंगा ना गाइस, कि बाकी यूट्यूबर की तरह भाई कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं करता भाई, यार ध्यान रखना, ठीक है। पहला ट्रिक यूज़ करना, दूसरा ट्रिक यूज़ करना। इसमें देखो मैं क्या कर रहा था, मैं आपको पहला ट्रिक में जो बताया था वही ट्रिक यहाँ पर यूज़ करा। वाइट एम लाया, वाइट एम आया कि मैं डायरेक्टली ऊपर की ओर ड्रैग करा, तो ईजिली हेड की ओर ड्रैग करा तो हेडशॉट लग गया। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि ये हेडशॉट ट्रिक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड वाला जो होता है ना, अगर मैं अच्छे से सीख लूँगा तो उसको भी सिखा दूंगा। और रोटेशन का ये जो फ़ायदा देखो, इतना ज़्यादा पास में आ गया फिर भी मैं रोटेशन डेक हेडशॉट से मैं कितनी तेज़ी से वन टैप हेडशॉट लग जा रहा है, ओके। होपफुली गाइज यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी डाउट हो। और ये ज़रूर बताना कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड हेडशॉट ट्रिक में कौन सा हेडशॉट ट्रिक सबसे अच्छा था और आप लोग कौन सा हेडशॉट ट्रिक यूज़ करते हो, ओके। साथ ही साथ ये भी बोलना, ये भी कमेंट करना कि भाई अगली वीडियो की टॉपिक क्या हो, ठीक है। आप लोग ग्लू वॉल बोलोगे ग्लू वॉल की दे दूंगा, जो बोलोगे उसका दूंगा, ओके। होपफुली आप लोग की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सिर्फ एक चीज़ भाई, लाइक के बटन को नहीं दबाया ना, उसको दबा देना और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना। और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लेना, ओके। मिलते हैं।